हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक एमएस पे। मेरा नाम मुनीर है और दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको गूगल के बारे में 20 ऐसे क्रेजी फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो फिर चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ ऐसे फैक्ट्स से शुरुआत करते हैं जो कि गूगल के फाउंडेशन से रिलेटेड है कि कैसे कंपनी की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहला फैक्ट है कि गूगल की शुरुआत दो लोगों ने मिलकर की थी और ये दोनों लोग थे सर्जी ब्रैंड और लैरी पेज, और ये दोनों उस टाइम पे कॉलेज स्टूडेंट्स थे। यस, तभी वो पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। एंड 1996 में जब ये कंपनी शुरू हुई थी तब इसका नाम गूगल नहीं था, तब इसका नाम बैकरप था, और फिर एक साल बाद 1997 में इसका नाम चेंज करके गूगल रख दिया गया। लेकिन इन्होंने यही नाम क्यों चुना, आखिर इसका मतलब क्या है? तो गूगल एक्चुअली गूगल वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक है। गूगल एक मैथमेटिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कि जैसे 1000 के अंदर 1 के बाद 3 जीरो होते हैं, वैसे ही गूगल के अंदर 1 के बाद 100 जीरोस होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है और गूगल का टारगेट ये था कि एक दिन उसके सर्च इंजन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन वो डाल दे, इसीलिए इन्होंने कंपनी का नाम गूगल रखा। एंड क्या आपको पता है कि गूगल का फर्स्ट ऑफिस एक गैरेज था जो कि गूगल ने रेंट पर लिया था? एंड इंटरेस्टिंगली एप्पल का भी फर्स्ट ऑफिस एक गैरेज ही था। What a coincidence। एंड दोस्तों वो गैरेज किसी और का नहीं बल्कि सुजन वोजिंकी का था जो कि उस टाइम पे गूगल की एक एम्प्लॉय थी, एंड नाउ शी इज द सीईओ ऑफ यूट्यूब। एंड दोस्तों शुरुआत में गूगल का जितना भी डेटा था वो 4-4 GB वाली 10 अलग अलग हार्ड ड्राइव में स्टोर किया गया था, और ये सभी हार्ड ड्राइव को एक लेगो से बने हुए केसिंग के अंदर रखा गया था, वो कुछ ऐसा दिखता था। और आज की डेट में गूगल का सारा डेटा ये बड़े बड़े सर्वर्स में स्टोर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है कि गूगल जब अपना पहला सीईओ ढूंढ रहा था तब गूगल के दोनों फाउंडर्स एक ही इंसान को गूगल का पहला सीईओ बनाना चाहते थे, और वो इंसान थे स्टीव जॉब्स। बट क्योंकि स्टीव जॉब्स तभी दो बहुत ही बड़ी कंपनीज के सीईओ थे, एप्पल और पिक्सर के, इसीलिए वो गूगल के सीईओ नहीं बने, और फिर एरिक स्किम्ट गूगल के पहले सीईओ बने। तो ये थे कुछ फैक्ट्स गूगल के फाउंडेशन के बारे में, और अब थोड़ा गूगल के क्रेजीनेस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि गूगल का डोमेन है google.com, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि अगर आप वो google.com में double o के बदले triple o डाल दो, या फिर single o डाल दो, या फिर लास्ट में gle के बदले gel लिख दो, तो भी आप google.com पर ही जाओगे, बिकॉज ये सभी स्पेलिंग मिस्टेक वाले डोमेन्स भी गूगल ने खरीद कर रखे हैं। एंड दोस्तों क्या आपको पता है कि गूगल की एक पॉलिसी है जिसमें वो अपने सभी एम्प्लॉयज को उनके वर्किंग आवर्स में से 20% टाइम कोई भी साइड प्रोजेक्ट में स्पेंड करने देते हैं, ऐसा साइड प्रोजेक्ट जो कि थोड़ा डिफरेंट हो, कुछ नया हो, कुछ क्रिएटिव हो। तो गूगल एडसेंस, गूगल न्यूज और इवन जीमेल भी ऐसे ही एक साइड प्रोजेक्ट से निकल कर आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है कि आज से अराउंड 21 साल पहले अप्रैल 2000 में गूगल ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर अनाउंस किया था जिसका नाम था मेंटलप्लेक्स, और ये सॉफ्टवेयर हमारे माइंड को रीड कर सकता था। सुनकर यकीन नहीं होता राइट? वैसे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर था भी नहीं, ये सिर्फ एक प्रैंक था गूगल का अप्रैल फूल्स डे के दिन। और तब से लेके आज तक हर साल अप्रैल फूल डे के दिन गूगल कुछ ना कुछ प्रैंक करता आ रहा है। बट पिछले दो साल 2020 और 2021 में गूगल ने कोई प्रैंक नहीं किया, बिकॉज ऑलरेडी वर्ल्ड काफी सीरियस चैलेंजेस फेस कर रहा है पैंडेमिक की वजह से। अब दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है कि कुछ महीने पहले गूगल ने अनाउंस किया था कि साल 2030 के पहले वो अपना जितना भी पावर रिसोर्स है वो कम्प्लीटली 100% पूरा रिन्यूएबल पावर सोर्स पर स्विच कर देंगे। एंड ये गूगल का बहुत ही अच्छा एफर्ट है हमारे एनवायरमेंट के लिए, एटलीस्ट फोन के बॉक्स में से चार्जर निकालने से तो बेहतर है। ओके, अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गूगल हेडक्वार्टर जिस शहर में है उस शहर का नाम है माउंटेन व्यू, जो कि कैलिफोर्निया में है, और 2006 में गूगल ने पूरे माउंटेन व्यू शहर को फ्री वाईफाई कनेक्शन दिया था कुछ सालों के लिए। एंड ये भी एक काफी अच्छा एफर्ट था गूगल की तरफ से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट को यूज कर पाए, और अगर ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करेंगे तो इससे गूगल की सर्विसेज भी ज्यादा यूज होगी, तो इससे एट द एंड फायदा तो गूगल को ही होगा। तो अब ये फ्री वाईफाई कनेक्शन गूगल का एक गिफ्ट था या फिर एक स्ट्रेटेजी, वो तो सिर्फ गूगल जानता है। एंड अब गूगल के हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं। तो गूगल हेडक्वार्टर अपने आप में बहुत ही एक्साइटिंग जगह है, बिकॉज वहां पर गूगल ने बहुत सारे अलग अलग स्टैचूज लगा कर रखे हैं, जैसे कि सभी एंड्रॉयड वर्जन के स्टैचूज हैं, फिर टीरेक्स डायनासोर का भी एक स्टैचू है जो कि गूगल क्रोम की डायनोरन गेम को रेफरेंस देता है। और हेडक्वार्टर के अंदर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए गूगल ने बहुत सारी स्लाइड्स लगाई हुई है, ताकि उसके एम्प्लॉयज का थोड़ा टाइम भी बचे और उन्हें थोड़ा फन, थोड़ा एक्साइटमेंट भी मिले। एंड दोस्तों गूगल रेगुलरली कुछ गोट्स को भी रेंट पर लेता है, ताकि जितने भी हेडक्वार्टर में एक्स्ट्रा ग्रास उगते हैं, एक्स्ट्रा बुशेस उगते हैं, वो सब गोट्स आकर उन बुशेस को खा सके। एंड अगेन ये भी एक काफी अच्छा एफर्ट है गूगल का एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज ये ग्रास कटर यूज करने से तो बेहतर है। एंड गाइस गूगल ने अपने हेडक्वार्टर में 1000 से भी ज्यादा बाइसिकल रखी हुई है, जिसको गूगल ने नाम दिया है जी बाइक, और ये जी बाइक गूगल के एम्प्लॉयज के लिए है, ताकि वो हेडक्वार्टर की एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जा सके, बिकॉज गूगल हेडक्वार्टर बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। एंड दोस्तों गूगल अपनी जी बाइक पर कोई लॉक नहीं लगाता, इसलिए 100 से 250 जी बाइक चोरी हो जाती है हर हफ्ते,
यस हर हफ्ते। और ये चोरी कोई चोर नहीं करता, ये माउंटेन व्यू शहर के लोग ही ये जी बाइक्स को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और फिर बाद में वहीं पे वो बाइसिकल को छोड़ देते हैं। एंड इसीलिए गूगल ने 30 लोगों की एक टीम रखी है जो कि डेली शहर का चक्कर लगाते हैं और जो जी बाइक्स इधर उधर पड़ी होती हैं उन्हें वापस उठाकर गूगल हेडक्वार्टर में लेकर आते हैं। बट स्टिल जितनी भी जी बाइक्स मिसिंग होती हैं उसमें से 1/3 कभी वापस नहीं मिलती, वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अब गूगल हेडक्वार्टर के बारे में बहुत बात कर ली, तो अब मैं आपको कुछ और रैंडम फैक्ट्स बताता हूँ गूगल के बारे में जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। तो 1997 में गूगल के फाउंडर्स ने याहू कंपनी को एक ऑफर दिया था $1 million में गूगल कंपनी खरीदने का, बट याहू ने मना कर दिया। फिर 2002 में अगेन याहू के पास एक चांस था गूगल कंपनी खरीदने का और इस बार गूगल की वैल्यू बढ़कर $3 billion हो गई थी, बट स्टिल याहू ने गूगल को नहीं खरीदा। और आज ये हम सब जानते हैं कि गूगल किस पोजीशन पर है और याहू किस पोजीशन पर है। ओके, अब नेक्स्ट फैक्ट है कि 16th अगस्त 2013 को गूगल ने सिर्फ 5 मिनट के लिए काम करना बंद कर दिया था और इतनी देर में पूरे इंटरनेट का यूसेज 40% गिर गया था। इससे हमें ये पता चलता है कि हम कितना ज़्यादा गूगल पर डिपेंडेंट है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है कि 2006 में गूगल जो वर्ड है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऐड किया गया था, मतलब जो गूगल वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी वो अब कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रही बिकॉज वो अपने आप में अब एक नया वर्ड बन गया है। सोचो ये कितनी बड़ी बात है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में गूगल का मीनिंग लिखा गया है सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग ऑन द इंटरनेट यूजिंग गूगल सर्च इंजन। एंड अब आज के वीडियो का लास्ट फैक्ट ये है कि दुनिया में टोटल जितने भी सर्च इंजन है उसमें से गूगल के सर्च इंजन का मार्केट शेयर 90% से भी ज्यादा है और ये बहुत ही बड़ा नंबर है। आप खुद ही अपनी स्क्रीन पर ग्राफ देख सकते हो कि कोई और सर्च इंजन गूगल के आसपास भी नहीं है, बिकॉज इसके बाद जो सेकंड पोजीशन पर सर्च इंजन है उसका नाम है बिंग और उसका मार्केट शेयर है सिर्फ 2%। इससे हमें यह पता चलता है कि गूगल ने अपने सर्च इंजन को इतना ज्यादा सक्सेसफुल बना दिया है कि कोई और सर्च इंजन उसको हराना तो दूर उसको छू भी नहीं सकता। एंड हमारी जनरेशन के लिए ये सोचना बहुत मुश्किल है कि गूगल के बिना हमारी लाइफ कैसी होती। सीरियसली ये दोनों कॉलेज फ्रेंड्स ने हमारी लाइफ बदल दी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और अगर आप भी कोई ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हो गूगल के बारे में तो नीचे कमेंट्स में शेयर जरूर करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और कंपनी के ऊपर ऐसा ही एक वीडियो बनाऊं तो वो भी नीचे कमेंट में मुझे बता देना। और बस फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।